है कि 12 कल और 13 इन दो दिन में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 12 नवंबर और 13 नवंबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो BTUP या पॉलिटेक्निक से जुड़े जो भी स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ इतना बताना है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या जो मुझे लगता है कि 12 नवंबर को आप लोगों का यानी कि कल रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर कल नहीं आता है किसी वजह से तो परसों आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इतने बड़े बड़े आप लोग हार्ट भेज देते हैं, इतनी ज्यादा संख्या में भेज देते हैं, उस चक्कर में क्या होता है कि दूसरे जो सवाल हैं वो सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ, आज से कम 5-6 दिन पहले या 7 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बता दिया गया था कि 12 से 16 के बीच में रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है, 12 नवंबर से 16 नवंबर तक, ठीक है। आज 12 नहीं हुई है और उसके बाद आप लोग पिछले जिस दिन से मैसेज किया है उसके दिन से ही लगातार आप लोग पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या है। तो एक बार कोशिश करके पिछली जो भी वीडियोस हुआ करें या जो भी अपडेट हुआ करें उन्हें देख लिया कीजिए। कोशिश करता हूँ कि, और अगर मैंने 12 से 16 लिखा है तो 12 से 16 तक की वेट कर लेना चाहिए, लेकिन वो लगातार आप लोग अगर सेम मैसेज करेंगे फिर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो गलत मैसेज ये जाता है कि जावेद सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता, रिप्लाई इसलिए नहीं देता हूँ कि ऑलरेडी जो चीज़ मैं बता चुका हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया करें। अगर देख लेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, कम से कम आप लोगों को एक ही सवाल बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि 12 से 16 तक के आप लोगों का री इवेल्युएशन का रिजल्ट आ जाएगा। री इवेल्युएशन का रिजल्ट कैसा आता है वो एक अलग बात है, वो देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा।